फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आप प्रीव्यू में आप देख चुके हैं कि मैंने किस तरीके का वीडियो बनाया है। अगर आप भी उसी तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना होगा। अगर आप नहीं डाउनलोड किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, करना क्या होगा, यहाँ क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे फिट पे आपको क्लिक कर देना है अगर आपका नहीं है। यहाँ पे आपको 4.5 को आपको ले लेना है कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मटेरियल नाम से, तो वहाँ से जाकर उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो चुका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा दिख रहा है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसे बड़ा कर देना है। कुछ इस प्रकार से हम बड़ा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो रेड वाला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये रेड वाला है इसे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ से आपको फ़ोटो ऐड करना है। जो ब्लैक वाला है इसमें आपको फ़ोटो ऐड करना है। तो चलिए मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ। यहाँ जहाँ तक का दोस्तों ब्लैक वाला है, यहाँ तक आपको फ़ोटो को ऐड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ फ़ोटो को। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं फ़ोटो को ऐड कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो को ऐड करना है। यहाँ ब्लैक वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जहाँ भी फ़ोटो रखे हुए हैं आप वहाँ से फ़ोटो ले लेना कुछ इस प्रकार से। तो चलिए मैं फ़ोटो को सारे जितना भी ब्लैक है वहाँ पे मैं फ़ोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, तब यहाँ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने फ़ोटो को लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ से आपको 15 फ़ोटो को आपको लगाना है। यहाँ पे 7 सेकेंड तक आपको फ़ोटो को लगाना है। जो रेड वाला है दोस्तों इसे आपको छोड़ देना है। फिर से आपको दोस्तों आगे आना है तो आगे फिर से आपको ब्लैक वाला ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को दोस्तों ऑलरेडी लगा दिया है। आप भी कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आपको जो भी फ़ोटो लेना है यहाँ से ले सकते हैं फ़ोटो को। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का आपको फ़ोटो को आपको लगा देना है। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। अभी आपको इसे छोड़ देना है। अब आपको यहाँ फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ क्लिप ग्राफिक पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा। चलिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा नीचे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्वीट इसका एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको 13 नंबर आपको लेना है। 13 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का हमारा चल रहा है। सॉरी, यहाँ पर 13 नंबर नहीं, आपको 2 नंबर लेना है। आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। यहाँ से चलिए यहाँ पे आपको 2 नंबर लेना है। दूसरे वाले फ़ोटो को दोस्तों आपको आपको 13 नंबर आपको लेना है कुछ इस प्रकार के। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ। तो यहाँ हमारा इस पर आपको 13 नंबर लेना है कुछ इस प्रकार का। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दो नंबर आपको लेना है और फिर से आपको क्लिक करना है चौथे वाले फोटो पे, आपको 13 नंबर आपको लेना है कुछ जिस प्रकार से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए सारे फोटो पे मैं इफेक्ट इसे लगा लेता हूँ, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक ग्राफिक पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो स्वीट वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए यहाँ पे मैं 2 नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से आपको चलिए सारे फोटो पे मैं आपको लगा देता हूँ, तब तक लिए थोड़ी देर की वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे को यहाँ पे जितने भी हमारे फोटो थे वहाँ पे मैंने इफेक्ट लगा लिया है, तो हमारा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का चलेगा। तो चलिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार का, आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है दोस्तों ये चल रहा है कुछ इसी प्रकार का। आपको सारे इफेक्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे फोटो वाले ऑप्शन पे, अब क्लिक ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्वीट लीस एक नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नहीं जानते कि काइन मास्टर का जो इफेक्ट है उसे फ्री में कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो मैंने वीडियो का जो मैंने बताया हुआ एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ कि काइन मास्टर का जो इफेक्ट है वो कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो सारा वीडियो मैंने बना दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है 15 सेकेंड, जो दोस्तों लाल वाला है इसे आपको छोड़ देना है, इसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी आपको वही सेम टू सेम वही ऑप्शन लगाना है, क्लिक ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्वीट वाला एक ऑप्शन आपको दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहले आपको 2 नंबर लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 13 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे आपको लगाना है। कुछ इस प्रकार के सारे फोटो को यहाँ पे आपको लगा देना है। तो चलिए अब हम वीडियो को ऐड करते हैं, तो यहाँ जो लाल वाला है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वीडियो को ले लेना। तो यहाँ से चलिए मैं वो वीडियो को ऐड कर लेता हूँ ये वाला, यहाँ इसके आवाज़ को दोस्तों म्यूट कर देना है यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो किस प्रकार का चल रहा है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, फिर से यहाँ पे लाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर से यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर से आपको वीडियो को लगा देना है। तो चलिए मैं ये वाला वीडियो लगा देता हूँ, इसके आवाज़ को दोस्तों यहाँ से म्यूट कर देंगे, कुछ इस प्रकार का हमारा जो वीडियो चल रहा है। और दोस्तों फिर से हम मीडिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं जहाँ भी वीडियो रखा हुआ हूँ वहाँ से मैं ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैंने वीडियो को ले लिया, कुछ इस प्रकार से मैंने वीडियो को ले लिया। अब आपको दोस्तों थोड़ा सा आगे आना है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको फिर से मीडिया पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं वीडियो जहाँ रखा हुआ हूँ उसे मैं ले लेता हूँ वीडियो को। तो चलिए यहाँ से मैं वीडियो को ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं वीडियो को ले लेता हूँ आगे सबसे पहले। तो आपको कुछ इसी प्रकार का आपको वीडियो को लगाना है, तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है दोस्तों मैंने सारे जो वीडियो है वो दोस्तों मैंने लगा दिया है। अब आपको दोस्तों करना क्या होगा, आपको एक इफेक्ट को लगाना है, तो चलिए उस इफेक्ट को मैं यहाँ पे लगा देता। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद मीडिया पे जाना होगा, उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे ये वाला मैं ले लेता हूँ इफेक्ट, इसके दोस्तों म्यूजिक को म्यूट कर देना है इस प्रकार से। अब आपको इसे दोस्तों बड़ा कर देना है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन कर देना है कुछ इस प्रकार का। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीडियो है दोस्तों किस प्रकार का यहाँ पे चल रहा है, तो आप भी कुछ इसी प्रकार का वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेजुलेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अब यहाँ से अपने हिसाब से आप रेजुलेशन को चूज़ कर लेना। तो चलिए मैं 720 को आपको ले लेता हूँ, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे दोस्तों वीडियो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो।
अगर आपको हमारा यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।